नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हार्दिक स्वागत है तमारो एज्युकेशन एंड गुजराती चैनल पर। आज आपणो टॉपिक छे धोरण 9 विषय हिंदी चैप्टर 9। तेमनुं नाम छे निर्भय बनो। साहित्य प्रकार छे गद्य। तेमना लेखक छे फणीश्वरनाथ रेणु। તેમાં આપણે જોઈએ વિભાગ 1 માં ગદ્ય આધારિત। પ્રશ્ન પહેલો છે સહી વિકલ્પ ચુન કર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ। પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રિયોદા સંન્યાસી આશ્રમ કે લીએ મુઠિયા વસૂલતા થા। બીજી ખાલી જગ્યા એક દિન ઉઠા કર નદી મેં ફેંક દૂંગા ખુદ તૈરને લગેગા। ત્રીજી ખાલી જગ્યા સૂર્યનારાયણ પઢને મેં કમજોર હૈ। ચોથી દલ કા નિયમ થા કે કોઈ સદસ્ય અપશબ્દ ન બોલે। પાંચમી મોના પર લિખ કર વકીલ બનના ચાહતા હૈ। છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા સેલાનીઓ કી પંક્તિયા ઘોડે દોડાતી નજર આતી હૈ। પ્રશ્ન બીજો સહી વાક્યાંશ ચુન કર નિમ્નલિખિત વિધાન પૂર્ણ કીજીએ। ઉસમે પહેલા પ્રશ્ન હૈ કે હૈઝે કી રોગી કી સેવા કે પ્રશ્ન પર મનમોહક ચૂપ રહા ક્યોંકિ ઇસ બીમારી કે નામ સે હી ઉસે ડર લગતા થા। દૂસરા હૈ इब्राहिम ने यह गलती की थी कि उसने दल के नियम के विरुद्ध अर्दली के लिए शाला शब्द का प्रयोग किया था। तीसरा है प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि रास्ते में उसे डर लगता था। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते थे। उसका उत्तर है प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमानंद नदी के उस पार बालूचर पर एकत्र होते थे। प्रश्न दूसरा है कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा। उसका उत्तर है कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि यह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रश्न तीसरा है स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलन पर क्या कहते हैं। उसका उत्तर है स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। प्रश्न चौथा है मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया है। इसका उत्तर है मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर पर महात्मा गांधी के नाम का नाम लिया है। प्रश्न पांचवा है पक्षी को गोली किसने मारी थी। उसका उत्तर है पक्षी को गोली सब डिप्टी साहब ने मारी थी। छठा प्रश्न है प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द क्यों निकला। उसका उत्तर है साला शब्द के प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से होल्ट शब्द निकला। प्रश्न सातवा है मनमोहन को घर पहुंचाने के लिए कौन उसके साथ गया क्यों। उसका उत्तर है मनमोहन अकेले घर जाने में डरता था इसलिए प्रियोदा उसके साथ गया। प्रश्न आठवा है सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे। उसका उत्तर है सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। प्रश्न नौवा है मनमोहन किसके नाम से डरता था। उसका उत्तर है उजड़े हुए मकान में पहले मुर्दों की चीरकाट होती थी। दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी को लोग क्या समझते हैं। उसका उत्तर है महात्मा गांधी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला है कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे। उसका उत्तर है प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठियाँ मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके हंसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। प्रश्न दूसरा है प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती थी। उसका उत्तर है शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेलकूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं फिर रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। प्रश्न तीसरा है
मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा? उसका उत्तर है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। प्रश्न चौथा है, पुल के पास गाड़ीवान क्यों क्या कर रहा था? उसका उत्तर है, प्रियदा के दल के सभी सदस्य घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर एक लोकगीत गा रहा था। प्रश्न पांचवा है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? उसका उत्तर है, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने उसे रास्ते से ले गई जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाट होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती हैं। प्रश्न छठा है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा? उसका उत्तर है, भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, जो खुद भूत होता है उसे दूसरे भूत से क्या डर? सातवां प्रश्न है, प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था? उसका उत्तर है, रविवार को प्रियोदा की टोली पहले से निर्धारित मोहल्ले में मुठिया वसूलने जाते थे। इसी तरह टोली के कुछ लोग बीमार व्यक्ति की सेवा करने जाते थे। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, प्रियोदा को सभी लोग क्यों प्यार करते थे? उसका उत्तर है, प्रियोदा बहुत सेवाभावी लड़का है। प्रत्येक रविवार को वह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार हो जाए तो प्रियोदा अपने साथियों के साथ उसकी देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वह तब तक उसकी सेवा करता है जब तक वह पूरी तरह भला चंगा नहीं हो जाता। अपने साथियों के साथ प्रियोदा बहुत आत्मीय व्यवहार करता है। वह उनके गुणों को विकसित करता है और उन्हें निर्भय बनाता है। किसी के बारे में अपशब्द बोलना उसे पसंद नहीं है। इस प्रकार प्रियोदा की सेवा भावना तथा स्नेहपूर्ण स्वभाव के कारण उसे सब प्यार करते थे। प्रश्न दूसरा है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्यों के नाम और उसकी विशेषताएं बताइए। उसका उत्तर है, प्रियोदा के दल के 3 सदस्य मनमोहन, सूर्यनारायण और इब्राहिम हैं। मनमोहन खूब तेज लड़का है। उसका गला बहुत मीठा है। उसे गाने का शौक है। उसके गाने की सभी प्रशंसा करते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है पर उसका शरीर मजबूत है क्योंकि वह रोज 100 दंड बैठक करता है। वह दल के सदस्यों को तैरना सिखाता है। इब्राहिम को अपशब्द साला बोलने की आदत है। सरकारी अफसरों को साला बोलने में उसे कोई बुराई नहीं लगती। वह दलीलबाजी करता है फिर भी क्लब के नियमों का पालन करता है। प्रश्न तीसरा है, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? उसका उत्तर है, प्रियोदा की टोली सेवाभावी लड़कों का दल है। यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलती है। इसके लिए उसे कस्बे के मोहल्ले में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की यह टोली उसके घर पहुंच जाती है। टोली के सदस्य रोगी के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी बीमारियों में यह टोली लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह सेवा कार्य करती है। प्रश्न चौथा है, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? उसका उत्तर है, मनमोहन को तैरना सीखने की जिम्मेदारी दल के सदस्य सूर्यनारायण को सौंपी गई। सूर्यनारायण रोज 100 दंड बैठक करता था। वह मजबूत शरीर का लड़का था। दल के सदस्यों को
वही तैरना सिखाता था। सूर्य नारायण ने कहा कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। प्रश्न पांचवा है, इब्राहिम ने किस बात के लिए माफ़ी मांगी? उसका उत्तर है, प्रियदा के दल का नियम था कि कोई सदस्य मुंह से किसी प्रकार का अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने सब डिप्टी साहब के अर्दली के लिए साला अपशब्द बोला था। इस तरह उसने दल के नियम को तोड़ा था। प्रियदा के होल्ड कहने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए अपनी गलती के लिए उसने माफ़ी मांगी। प्रश्न छठा है, अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का क्या नियम था? उसका उत्तर है, प्रियदा वाणी के शिष्टाचार को महत्व देता था, इसलिए उसने यह नियम बनाया था कि दल का कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली अपने मुंह से नहीं निकालेगा। अपशब्द या गाली देने पर होल्ड बोलकर उसे चेतावनी दी जाती थी। 10 से अधिक बार अपशब्द या गाली मुंह से निकालने पर क्लब के सदस्य उसका साथ छोड़ देते थे। इस प्रकार अपशब्द न बोलने के बारे में क्लब का कठोर नियम था। विभाग दूसरा व्याकरण आधारित, उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें मुहावरा पहला है, मुठिया वसूलना, यानी किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी मुट्ठी पर अनाज लोगों से मांगना। वाक्य है, देखो मुठिया वसूल कर वह बारी भर अनाज ले आया, बोरी भर। दूसरा है, भला चंगा यानी स्वच्छ, उसका वाक्य है, वैद ने कुछ ही दिनों में रोगी को भला चंगा कर दिया। मुहावरा तीसरा है, सिर से पैर तक देखना यानी भली भांति देखना। वाक्य है, इंस्पेक्टर ने अपराधी को सिर से पैर तक देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चौथा मुहावरा है, महीन बात सूक्ष्म बात, बाबू आप हम गांव वालों की महीन बातें नहीं समझ सकते। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा, यानी अयोग्य शासक के कारण को प्रशासन। वाक्य है, उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा टकसेर भाजी टकसेर खाजा वाली बात है। दूसरा है, मार के पीछे भूत भागे, यानी किसी भी तरह से समस्या का हल करना। वाक्य है, जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक खेया अपनाना, इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। तीसरा है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। वाक्य है, एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ते। चौथा है, होनहार बिरबान के होते होत चिकने पात, यानी योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। वाक्य है, गोपालदास नीरज ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिखी थी। सच है, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द यानी विरोधी शब्द लिखिए। पहला है, गरीब अमीर। दूसरा है, प्यार नफरत। तीसरा है, स्वस्थ अस्वस्थ। चौथा है, गलत सही। पांचवा है, उजड़ा हरा भरा। छठा है, इच्छा अनिच्छा। सातवा है, बीमार स्वस्थ। आठवा है, आग्रह निराग्रह। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुबह प्रभात। दूसरा है, शाम सांझ। तीसरा है, दल झुंड। चौथा है, कमजोर दुर्बल। पांचवा है, मकान घर। छठा है, आग्रह अनुरोध। सातवा है, तन्मय तल्लीन।
आठवां है विकल व्याकुल, नौवां है हर्ज नुकसान, दसवां है हैजा कालेरा, ग्यारहवां है पखेरु पक्षी, बारहवां है खचड़ा मूर्ख, तेरहवां बुझना समझना, चौथा है डैना पंख। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। दूसरा है दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ। तीसरा है मुर्दों के चीरफाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस। चौथा है जहां बीमारों को भर्ती करने का इलाज होता है अस्पताल। पांचवा है पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत खंडहर। छठा है रेतीला नदी पट बालूचर। सातवा है खराब या असभ्य शब्द अपशब्द। प्रश्न छठा है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग भाव जानकर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है निर्भय यानी निह प्लस भय। दूसरा है प्रयत्न प्र प्लस यत्न। तीसरा है व्याकुल वी प्लस आकुल। चौथा है अपशब्द अप प्लस शब्द। पांचवा है प्रत्येक प्रति प्लस एक। छठा है अपवित्र अ प्लस पवित्र। सातवा है अनुरोध अनु प्लस रोध। आठवा है अनिच्छा अन प्लस इच्छा। नववा है निराग्रह निर प्लस आग्रह। दसवा है प्रशासन प्र प्लस शासन। ग्यारहवा है निष्कपट निस प्लस कपट। और बारहवा है सुक्ति सु प्लस उक्ति। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर सात। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें दूसरा है निडर निह प्लस डर। तीसरा है शिक्षक शिक्षा प्लस क। चौथा है रोगी रोग प्लस ई। पांचवा है जिम्मेदार जिम्मा प्लस दार। छठा है अडंगेबाज अडंगा प्लस बाज। सातवा है विकसित विकास प्लस इट। आठवा है पयोदा पय प्लस दा। नववा है सेवाभावी सेवाभाव प्लस ई। दसवा है महत्व महत्व प्लस त्व। ग्यारहवा है पहलवान पहल प्लस वान। बारहवा है डरने वाला डरना प्लस वाला। तेरहवा है आंचलिक अंचल प्लस एक। चौदहवा है पंडिता पीड़ा प्लस इता पीड़िता। पंद्रहवा है सरकारी सरकार प्लस ई। सोलहवा है दिनकर दिन प्लस कर। प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है प्रियोदा सबको दुनिया भर की खबरें सुनाती थी। भाववाचक संज्ञा है खबर। दूसरा वाक्य है वाह बहुत मिठास है आपके गले में। भाववाचक संज्ञा है मिठास। तीसरा वाक्य है धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। भाववाचक संज्ञा है विदाई। चौथा शब्द है तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था। भाववाचक संज्ञा है डर। पांचवा वाक्य है पढ़ने में तनुष की तन्मयता बढ़ती जाती है। भाववाचक संज्ञा है तन्मयता। प्रश्न नौ निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। प्रश्न पहला है गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। कर्तृवाचक संज्ञा गाड़ीवान। दूसरा है दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैलता गया। कर्तृवाचक संज्ञा है दिनकर। तीसरा है शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया। कर्तृवाचक संज्ञा है शिक्षक। चौथा है खेल के दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए। कर्तृवाचक संज्ञा है खिलाड़ी। पांचवा है कहानीकार ने अपनी कहानी के कथा वस्तु का बीज एक सत्य घटना से लिया। उत्तर है कहानीकार। प्रश्न दसवा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य है सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है। विशेषण है कमजोर। दूसरा है लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है। सरकारी।
तीसरा है आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा खराब। चौथा है इब्राहिम महीन बात देरी से बुझता है महीन। पांचवा है उसका जोड़ा विकल होकर देर तक रोता रहा विकल। छठा है प्रियोदा का दल बीमार लोगों की सेवा करता है उत्तर है बीमार। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।